हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना पूरी किचन में। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज एक बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में आलू अक्सर रहते ही हैं और हम अक्सर अपने आलूओं को बॉईल करके फ्रिज में रखे ही रहते हैं। अगर आपके फ्रिज में रखे हैं बॉईल के आलू, तो बनाइए आप ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़े से डिफरेंट स्वाद आपको खाने को मिलेगा। जब भी बच्चे मांग रहे हो कुछ अलग सा खाने का, तो बना के दीजिए। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी और चाय के साथ तो ये बहुत ही मजेदार लगती है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए चौपर। इसमें हम डाल देंगे काट कर गाजर। तो हमने आधे गाजर का यूज किया है। 2 मिर्ची ली है हमने, हरी वाली, और 1 शिमला मिर्ची ली है। और अदरक का टुकड़ा लेंगे आधा इंच के आसपास, और हम इसमें 1 प्याज काट के डाल देंगे। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 हम लेंगे फ्रेंड्स लहसुन की कलियां, और हमें लेने हैं 2 से 3 ब्रेड। तो ब्रेड कम या ज्यादा आप ले सकते हैं, तो हम चॉपर में ही इनको ग्राइंड करेंगे। तो अब हमने ब्रेड के पीसेस तोड़कर डाल दिए हैं। अब इस तरह से हमने सभी को चॉप कर लिया है। ब्रेड भी अच्छे से साथ में चॉप हो गए हैं। अब इसको हमें निकाल लेना है फ्रेंड्स मिक्सी बॉल में। हमने इस मिक्सर को निकाल लिया है, जितना भी चिपका हुआ है सभी को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मन चाहा इसमें सब्जियां यूज कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्न भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए बॉईल के आलू। तो हमने 2 से 3 बॉईल के आलू लिए हैं। आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, जैसे भी आप बनाना पसंद करें कम या ज्यादा। आलूओं को फ्रेंड्स हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बॉईल के आलू रखे हुए थे। ये रेसिपी हम शाम के टाइम बना रहे हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम घर के मसाले यूज करेंगे, जो अक्सर हम अपने घर में यूज करते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स कुटी हुई लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची आप कम या ज्यादा ले सकते हैं टेस्ट अनुसार, जैसा भी आप कम या ज्यादा खाना पसंद करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच के आसपास इसमें चाट मसाला का यूज करेंगे। आप चाट मसाला कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। आप जीरा पाउडर की जगह काली मिर्ची पाउडर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है चाट मसाला, तो हम काली मिर्ची नहीं डालेंगे। आप इसमें चाहो तो मैगी मसाला भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लेंगे नमक। तो नमक हम टेस्ट अनुसार कम या ज्यादा डाल देंगे। तो हम इसमें कमी डालेंगे, क्योंकि हमने चाट मसाले का भी यूज किया, उसमें भी नमक होता है थोड़ा सा। और सभी को फ्रेंड्स हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इनको एकदम मैश नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम गुठली गुठली टाइप की भी रखेंगे आलूओं की। तो देखिए, अभी हमारे अच्छे से मैश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बनाना है इसकी टिक्की। तो थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से भरता ले लेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है, और हमें गोल गोल आकार इस तरह से दे देना है। तो आप चाहो तो मनचाहा आकार फ्रेंड्स दे सकते हैं। ओवल आकार में भी आप बना सकते हैं, चौकोर आकार में भी आप बना सकते हैं। जैसा भी आपको शेप देना है आप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को हमने इसी तरह से बना के रख ली है। तो मैंने आपको दिखा दी है, अब देखिए ये बन के हमारी तैयार है। तो हमने ज्यादा मोटी नहीं रखी, पतली पतली सी है, इसी तरह से हमें चाहिए। तो अब देख लेते हैं अगली प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हमें एक कटोरी चाहिए ये लैया। हमारे यहाँ इसको लैया बोलते हैं, कहीं कहीं इसे मुरमुरे भी बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे फ्रेंड्स काट कर, और इसमें हम थोड़ी सी शिमला मिर्ची डाल देंगे आधी काट कर थोड़ी सी। इससे अच्छा कलर दिखता है और अच्छी भी लगती है खाने में। थोड़ी सी कुटी हुई हम फ्रेंड्स लाल मिर्ची भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम फिर नमक डाल देंगे 2 चुटकी के आसपास, और सभी को फ्रेंड्स हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा घोल बनाया हुआ है मैदे का है, आप चाहे तो आटा का बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, बस 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था और मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो हमें इसका गाढ़ा नहीं बनाना है, आप चाहो तो गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बस पतला सा बनाया है इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगली प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए टिक्की। तो टिक्की को इस तरह से हमें फ्रेंड्स इसमें डिप कर लेना है, और जो हमने मुरमुरे में थोड़ा सा धनिया और शिमला मिर्ची, थोड़ा सा नमक लाल मिर्ची डालकर रखा हुआ था, इस तरह से फ्रेंड्स हमें मुरमुरे को इसके ऊपर लगा देना है, यानी लाई 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 को, सॉरी लैया को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसमें लगाते जाएंगे और ये हमारे अच्छे से फ्रेंड्स कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सभी को बना के रख लेना है। दूसरा भी मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से लैया इसमें चिपका ली है। तो हमें इसी तरह से अच्छे से इसमें चिपका लेना है
बढ़िया से कवर कर लेना है चारों तरफ से, जितनी भी आप चिपका सको इसके ऊपर चिपका सकते हैं, तो अच्छे से और भी अच्छी क्रंची बनके तैयार होती है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये जरूर पसंद आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को हमने इसी तरह से बना के रख ली है। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इनको हमें करना है फ्रेंड्स सैलो फ्राई। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से बना के हमने रख ली थी। तो पहले थोड़ा कलर अलग लग रहा है और थोड़ा सा ये अब अलग लग रहा है, तो बना के हमने सभी को रख ली है। तो चलिए करते हैं अब इनको हम फ्राई। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया था, तो मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें डाला हुआ है, क्योंकि हम इनको हल्के से फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स कम ऑयल में इनको फ्राई और भी कम ऑयल में करना चाहते हैं, तब भी आप इनको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इनको इस तरह से पैन में डाल दिया है, जितनी बनेंगे इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी को डालते जाना है और इनको फ्राई करना है। गैस की आंच आप तेज रखिएगा और इनको दोनों तरफ से हम फ्रेंड्स उलटते पलटते बढ़िया सा फ्रेंड्स हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही अच्छी लगी थी जब हमने इनको बनाया। चाय के साथ तो के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो, बच्चे भी मांग रहे हैं, बड़े भी मांग रहे हैं कुछ खाने के लिए, फ्रिज में रखे हो आलू, तो झटपट से बना लीजिए इस नाश्ते को और चाय के साथ आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारी बनके इस तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब इनको फ्रेंड्स हम प्लेट में निकालते जाएंगे, जितनी भी बनेंगी हमारी, ये ऊपर से बहुत ही क्रंची लगती है। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए आप इन टिक्की को। तो फ्रेंड्स एक एक करके हमें सभी को निकाल लेना है। तो आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स जरूर पसंद आएगी। आप इनको बस बढ़िया सा तेज आंच में फ्राई कीजिएगा, और जब भी मन करे आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी मन करे आप इनको निकालिए और खाइए। तो देखिए सभी हमारी बनके तैयार है। तो अब हमने इनको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ फ्रेंड्स इनको खा सकते हैं। तो देखिए बनके तैयार है, ऊपर से बहुत ही अच्छी लगती है क्रंची क्रंची सी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।